हेलो दोस्तों, वेलकम टू दस व्यापार यूट्यूब चैनल। और एक बार आपके लिए लाए हैं जिक के 200 होंडा के इंजन, उसके साथ साथ एक अल्टरनेटर का फुल फिटिंग पैकेज। तो आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये होंडा की इंजन है, 3 HP की इंजन है। हालांकि ये किरोसिन एंड पेट्रोल से रन होती है, मतलब पेट्रोल से स्टार्ट होती है और किरोसिन से रन होती है। आप देख सकते हैं 2.28 किलोवाट तक का मैक्सिमम पावर आउटपुट है और 3600 RPM की रोटेशन में ये घूमती है। और बाकी जो इंजन स्पेसिफिकेशन है आप वो देख सकते हैं। रोप स्टार्ट है दोस्तों, हालांकि इसमें मतलब ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं है, मगर इससे जो एडवांस मॉडल होती है उसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको मिल जाती है। ऑन ऑफ स्विच है, और हालांकि एक भाईमीटर सेट बना हुआ है। तो एक कस्टमर का ये था, उनको हम डिलीवर दिए थे। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अल्टरनेटर किट। तो ये अल्टरनेटर किट के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो यदि कोई भी बंदा यदि उसके पास इंजन है तो हमसे ये अल्टरनेटर किट ले सकता है, ये अलग से आपको परचेस कर सकते हैं आप। और यदि इंजन नहीं है तो ये दोनों वो खुद परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे कि इन दोनों को आप फिटिंग कैसे करें, कैसे मतलब फिटिंग करना चाहिए सही तरीके से, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि किट तो ले लेते हैं मगर सही से फिटिंग करने नहीं पाते। तो उनके लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये फिटिंग करने का मैनुअल, मतलब जो कैसे फिटिंग करना है, ये हम प्रोसीजर बताने जाएंगे। तो लगे रहिए दोस्तों वीडियो में और देखते हैं फिटिंग करने का प्रोसीजर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं हमारा कोडेक अल्टरनेटर। पूरा फिटिंग कर दिया है, देख सकते हैं पूरा फिटिंग ओके है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बता देता हूं कि मैंने कैसे फिटिंग किया है। तो पहले जब आप पैकेज से निकालेंगे, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। तो पहली बात है कि आपका यदि ये चारों बोल्ट ये देख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 ये बोल्ट यदि कैसे होंगे तो इसको पहले निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ जो है आपका जो मेन रोटर है वो लगे रहेगा। तो उसको अलग करने के लिए आपको पहली बात तो है कि इसको थोड़ा सा प्रेशर से आर्मेचर को अलग कीजिएगा। अलग करने के बाद अब इसको फिटिंग मत करिएगा, पहले फिटिंग करने से पहले आपको आर्मेचर और उसका अंदर में जो है देख सकते हैं आप आर्मेचर का, आर्मेचर और जो आपका इंजन का क्रैंक शाफ्ट है उसको पहले से मिला लीजिएगा सही से। क्योंकि यदि सही से नहीं मिलाते हैं तो बाद में यदि आपको निकालने के लिए दिक्कत भी हो सकती है। सोच लीजिए आपको इंजन में वाइब्रेटर बनाना है, पंप सेट बनाना है या और कोई काम के लिए आपको ये इंजन यूज करना है तो आपको आर्मेचर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये पहले बता देता हूँ, आपको आर्मेचर पहले सेट करना है। उसके साथ में आप जैसे देख सकते हैं मैंने पूरा आर्मेचर को सेट किया है, पूरा एंडिंग तक जा रहा है। तो ऐसा करके मतलब जो ये इंजन का जो होल है वो पूरा एंडिंग तक जा रहा है, मतलब जो आर्मेचर का जो शाफ्ट है एंडिंग तक जा रहा है। तो ऐसे करके क्या है ना, आपको पूरा उसको मिलाना है, क्रैंकशाफ्ट और आर्मेचर का बोर को पहले मिला लिए, मिला लीजिए। जैसे कि आपका हाथ से ऊपर नीचे मतलब
आगे पीछे हो सके। उसके बाद आपको एक की जो की यूज करेंगे क्रैंकशाफ्ट में और आर्मेचर के बीच में, तो उस की को थोड़ा फ्री करवा लीजिए, क्योंकि हार्ड रहेगा तो फिर आपके हाथ से अच्छा सिलेंडर नहीं निकलेगा, तो उसको थोड़ा सा फ्री करवा लीजिए ग्राइंडिंग करके। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट आपको इंस्टॉल करना है, ये वाला पार्ट आपको ज्वाइंट करने के लिए, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर में ये बोल्ट है और चार बोल्ट इसको कसेंगे। कसने के बाद आपको आर्मेचर लगाना है। आर्मेचर लगाने के बाद आपको क्या करना है, आर्मेचर लगाने के बाद आपको ये वाला पोर्शन ज्वाइंट करना है। ये वाला पोर्शन को ज्वाइंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको ये वाला पोर्शन ज्वाइन करना है। तो ये वाला पोर्शन ज्वाइन करने के लिए पहले आर्मेचर का जो ये बोर साइज है, ये वाला बोर साइज, इसके हिसाब से जो इसका बेयरिंग रहेगा उसको पहले से अच्छा से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा पुश करिएगा तो बेयरिंग इसका सेट में आ जाएगी। आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो पार्ट्स है, आपको पार्ट्स तो पैकेज में कंटेंट था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और आपका ये वाला पार्ट। थोड़ा मैं लाइट में ला लेता हूँ, आपको इजी रहेगा देखने के लिए। तो हाँ देखिए, मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ आपके लिए। हाँ चलिए, तो ये वाला पार्ट आपका इंक्लूडेड रहता है पैकेज में। जैसे आपको पॉलीपैक में आप ये वाला पार्ट सब आप देख पाए होंगे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग रहे होंगे। तो इससे मैं आपको पहले बता दूँ, अल्टरनेटर जैसे जो फील्ड कॉइल है, फील्ड कॉइल से आपका ये वाला तार निकला होगा और ये वाला तार निकला होगा। तो मैं बता दूँ, हाँ और दो ठो तार, ये वाला पीछे तरफ जो तार दो ठो है वो तार निकला होगा। तो पहले आपको ये वाला बोर्ड से ये वाला पार्ट को कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो वाईपी लिखा है इस ये वाला यहाँ पर कनेक्ट होगा, और आप चाहे तो ये वाला जो होता है मतलब इसका ये जो बॉक्स है, मेन स्विच बॉक्स है यहाँ का, मैं देख लीजिए कनेक्ट कैसे किया हूँ। ये वाला बोल्ट जाके वहाँ सपोर्टिंग हो गया है उसको, और यहाँ एक ठो नट लगेगी। ये सब नट बोल्ट इंक्लूडेड रहता है पैकेज में, आपको जैसे मैं दिखाया था ये वाला भी नट, ये वाला बोल्ट यहाँ पैकेज ये रहेगी। करने के बाद इसमें से आपको तीन तारे निकले होंगे, एक तो रेड, तो ग्लो और एक तो न्यूट्रल। तो न्यूट्रल और न्यूट्रल को आप अलग जगह कहीं भी, यहाँ भी लगा लीजिए, यहाँ जैसे साइन है देख लीजिए, और यहाँ ब्लू और रेड। तो आपको याद रखने है कि ये फील्ड कॉइल से जो ब्लू और रेड जो निकला होगा उसी हिसाब से आपको रेड में रेड सेट करनी है। रेड में रेड सेट करिएगा, ब्लू में ब्लू सेट करिएगा, उसके बाद जाके इसको टाइट मार दीजिएगा। टाइट मारने के बाद और आपका जो ये वाला प्लग है आप देख सकते हैं, आप रेड में रेड ब्लू और ब्लू करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही साथ मिलेगी, क्योंकि ये सिंगल फेस की है, इसमें तार कनेक्शन। ये वाला बॉक्स को आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला बॉक्स ऐसे ही रहेगा जैसे कि आपको दिख रहा है। और हाँ, कनेक्शन के लिए आपको जैसे ये वाला ऐसे रहता है, तो कनेक्शन के लिए जैसे आपका मेन लाइन, घर का मेन लाइन आप ज्वाइन करना सकते हैं, मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं इसके साथ, नहीं तो एडिशनल लाइन कनेक्ट करना चाहते हैं, नहीं तो किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट को आपको चलाना है, तो उसका जो मेन तार है यहाँ से ज्वाइन करके आपको एक प्लग है, जैसे ये वाला सॉकेट देख सकते हैं, ये वाला साइड, तो इसको आपको ऐसे घुसानी है। घुसने के बाद लाइट मोड़ लीजिए जैसे कि लॉक हो जाए। लॉक होने के बाद आपका अल्टरनेटर सेट है। अल्टरनेटर सेट करने के लिए आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ, ये अलग कैप लगा लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों जनरेटर रेडी। ज्यादातर मैं आपको बता दूं, ये ऑन ऑफ स्विच है, वोल्ट मीटर है और कोडेक का अल्टरनेटर है, जैसे कि आपने बैक्स कंटेंट में देखा था। और मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे ऑन ऑफ स्विच है, मैनुअल स्टार्ट करने के लिए मैं पहले बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे आपको इंजन स्टार्ट करते हैं वैसे ही करिएगा। इंजन स्टार्ट करने के बाद आपको लोड तभी नहीं देना है, पहले प्लग कनेक्ट कर लीजिए, इंजन स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आपको लोड को ऑन करने के लिए, जब एक ही बार में अच्छा से रोटेशन, मतलब इंजन अच्छा से पिकअप पकड़ ले, उसके बाद आपको यहाँ जो है लोड ऑन करने के लिए इसको ऊपर कर लीजिएगा। ऊपर करने में आपका जो लोड है अच्छा से जान पाएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें चला के दिखा देता हूँ, चीज़ें चलाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जस्ट मुझे गोटे जनरल पर्पज पर जॉइन कर।
एक और ऑन कर लो। यहाँ देख सकते हैं लाइट जल रहा है और यहाँ से हमने लोड ऑन कर दिया है और ये देख सकते हैं इसको अभी बंद करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा 2.5 किलोवाट का अल्टरनेटर और 3 HP का होंडा की इंजन के साथ कनेक्ट होकर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके होम इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। तो बेहतरीन से बेहतरीन जनरेटर के लिए आप चैनल को तो पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका फुल वीडियो तो आपने देख लिया है। यदि परचेस करना चाहते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है मैं आपको दे दूंगा। उसके साथ साथ आप इसमें क्या क्या चला सकते हैं तो मैंने पहले भी बता देता हूँ। मैंने एक ड्रिल मशीन चलाया था, उसके साथ साथ एक बल्ब जलाया था। तो आप इसमें 2000 वाट का लोड दीजिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि 2000 वाट का लोड आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। 2.5 किलोवाट का पावर जनरेट करती है दोस्तों, मगर 2000 वाट घर के लिए कम नहीं रहता। आप एक हाफ HP मोटर से लेके घर के TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग आप चला सकते हैं इस छोटे से धमाकेदार पैकेज के साथ। आप 3 HP इंजन है, 2.5 किलोवाट का अल्टरनेटर है। ज्यादा से ज्यादा आपको कितना प्राइजिंग आएगा? ये 28,000 के प्राइजिंग में आपके घर के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बन जाता है। एंड अब ये मल्टीपर्पज इंजन है तो इसमें आप चाहे तो बाद में इसको निकाल दीजिए, पंप सेट कनेक्ट कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए, वाइब्रेटर कनेक्ट कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए, आप चाहे तो धान कूटने वाला मशीन भी बना लीजिए या धान पिसाने वाला मशीन भी बना लीजिए। सबसे ज्यादा ये इंजन सबसे ज्यादा सभी जगह कारीगर है। और इस इंजन की खासियत यह है दोस्तों, ये लो मेंटेनेंस इंजन है, साल में एक बार भी खराब नहीं होगी यदि आप इसमें तेल मोबिल अच्छा से आप देते रहें और इंजन का केयर करते रहें। तो दोस्तों ये था 2.5 किलोवाट का जनरेटर और होंडा की इंजन। तो इसके साथ साथ आप यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ये मेरा दिल से विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो थोड़ी सी भी पसंद आए, इतनी थोड़ी सी वीडियो को लाइक कर लीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक बटन का दबाना ही है। और आपकी कृपा से, जगन्नाथ प्रभु की कृपा से एंड आप लोग का इतना प्यास से मेरा चैनल इतना ग्रो किया है, तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड आपका दिन शुभ रहे।